सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष ही हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में दीपावली मुख्य पर्वों में से एक है। आजकल हम सभी वातावरण को रोशन करने वाले इस 5 दिवसीय पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन 5 दिनों में पहला पर्व है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिन रूप चौदस, तीसरा और मुख्य दिन है दीपावली, चौथा अन्नकूट अथवा गोवर्धन पूजा और पांचवा एवं अंतिम पर्व है भाई दूज, जो भाई बहन के संबंध को प्रगाढ़ करने का दिन है। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियोस में दीपावली से लेकर अन्य सभी पर्वों की जानकारी दे चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाई दूज के विषय में। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। भाई दूज के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा से, जिसके अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा को 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र यम और पुत्री यमुना थी। सूर्य की पत्नी संज्ञा उनका तेज नहीं सहन कर पाई, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र एवं पुत्री को उसे सौंपकर वहां से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना प्रायः अपने भाई को निमंत्रण देती थी, परंतु यम व्यस्तता के कारण उससे मिलने नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम अपनी बहन से मिलने पहुंचे। अचानक ही अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उसने यम का बहुत अच्छे से सादर सत्कार किया। अपनी बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यम ने बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने उनसे इसी तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा। और दोस्तों, यम अपनी बहन की इस इच्छा को टाल ही नहीं सकते थे और उसके बाद से ही यम इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने गए। तब से ही भाई दूज मनाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस तिथि पर अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में भी स्नान करते हैं और अपने भाई बहन के सुखद, स्वस्थ एवं लंबे जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा की, जिसके अनुसार एक वृद्ध महिला के एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तो बड़ा रूखा है और वो हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती है। मेरी राय में तुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हट करने पर माँ ने जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल बनकर रास्ते में आई हूँ, तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ तब तुम मुझे डुबा देना। इसके बाद उसे रास्ते में एक सांप रोकता है और कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सांप ने भी उसे जाने की अनुमति दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे एक शेर रोकता है और जैसे ही शेर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तब भाई ने कहा कि मैं एक बार अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात मानकर शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया और अंततः भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बाहर से ही बहन को आवाज दी। बहन अपने घर में सूत कात रही थी और इतने में ही उसका सूत टूट गया। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वो बोल नहीं सकती, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसलिए बहन ने भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। शायद माँ ठीक ही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से भाई वापस जाने लगा। इतनी देर में ही बहन का सूत जुड़ गया और वो दौड़ते हुए भाई से मिलने बाहर आई।
उसने भाई को बताया कि वो क्यों नहीं उत्तर दे पाई थी। इसके पश्चात वो बहुत प्यार से भाई को अपने घर में लेकर आई। भाई को घर में बैठाकर वो पड़ोस में अपनी एक सहेली के पास पहुंची और उससे पूछा कि यदि आपके घर में कोई प्राणों से भी प्यारा आए तो क्या करना चाहिए। उसकी सहेली ने मजाक में कहा कि तेल से चौका लीपना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन ये समझ नहीं पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर वापस जाकर उसके कहे अनुसार ही काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा ना तो चौका सूख रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास जाकर यह व्यथा बताई। उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लीपी हुई रसोई कभी नहीं सूखती और घी में बने हुए चावल कभी नहीं पकते। उसने कहा कि इन दोनों के लिए ही पानी का प्रयोग करो। तब बहन वापस जाती है और जल्दी से पानी का चौका लगाती है और पानी में ही चावल पकाती है और भोजन तैयार करने के बाद बहुत प्यार से भाई को भोजन परोसती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन ने बहुत दिन साथ में बहुत प्यार से व्यतीत किए। फिर अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उस दिन बहन ने प्रातः काल उठकर गेहूं पीसे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए। और जैसे ही भाई घर से जाने के लिए तैयार हुआ, उसने वो लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ ही उनमें से कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रखे। और जब बाद में उसने वो लड्डू अपने बच्चों को दिए तो देखा कि लड्डुओं का रंग हरा हो चुका है। बहन ने उस चक्की में जाकर देखा जिसमें उसने गेहूं पीसे थे। तब उसको पता लगा कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। यह देख वो बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि यदि ये लड्डू मेरे भाई ने खा लिए तो वो मर जाएगा। और वो उसी क्षण भाई की खोज में निकल पड़ी और रास्ते में उसका भाई उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने भाई से कहा कि जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वो कहाँ है। तब भाई ने वो लड्डू उसे दिए और बहन ने सारे लड्डू जमीन में गाड़ दिए। उसने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला और मैंने हर बार यही कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में ही बहन को प्यास लगी। भाई कहता है तू यहीं बैठ, पास की नदी से मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी है। उसने महिला से पूछा, माँ तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। तब महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तात कर रही हूँ। बहन ने पूछा कि वो भाई कौन है। तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गई कि विधाता तो मेरे भाई की ही बात कर रही है। तब उसने पूछा कि माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। विधाता ने कहा कि यदि वो बहन अपने भाई को गालियां दे और उसके विवाह होने तक यदि उसको सभी आपत्तियों से बचा ले तो उसका काल टल सकता है। तब वो भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यहीं इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शेर के लिए मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वो भाई पर हमला करता, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया जिससे भाई की ओर बढ़ रहे शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और वो दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है और वो जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। माँ ने यह देखकर गुस्से में कहा, तू इसे क्यों लेकर आया है। भाई ने कहा, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह का रिश्ता आता है। विवाह निश्चित होने के बाद भाई की ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा।
इसके कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू होती है। रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो वृद्ध महिला का रूप धारण किए विधाता ने बता ही दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वो उन्हें टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती है। इसलिए वो हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। सगाई से विवाह तक बहन हर समय भाई के ही साथ रहती थी। विवाह में बारात की निकासी के समय उसने सबसे कहा कि पहले इसकी नहीं मेरी निकासी करो, और उसने भाई को पीछे के द्वार से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के द्वार पर ले जाया गया, आगे वाला द्वार टूटकर गिर गया। वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाई है। इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी, और विवाह के बाद जब नवविवाहित दंपत्ति की रात जगती है तब उसने कहा कि पहले मेरी रात जगाओ। सभी अतिथि समझ गए थे कि ऐसा कहने के पीछे भी बहन का कोई मकसद है। वो अवश्य ही अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। लोगों ने कहा कि कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं सुला दो। रात में नवदंपत्ति के सो जाने के बाद वहां पर एक सांप आता है। बहन ने इस सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर दिया और अंततः वो निश्चिंत होकर बहुत दिन बाद आराम की नींद सोई। भोर होने पर माँ कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है, तो उसने सोचा मैं इसके उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना ये फिर से सबके सामने शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने माँ से पूछा, माँ सारे मेहमान कहाँ गए? माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सबको विदा कर दिया है। तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला कि जब सब मेहमान आ जाएंगे मैं तभी विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर सात घात थी इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में भी अपनी माँ को बताया। यह सुनकर माँ और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्यार के साथ अपनी बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया। और दोस्तों, इसी घटना के बाद से ही सभी बहनें अपने भाई का तिलक करके भाई दूज मनाती हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे हम आज की कड़ी। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।